देख रहे हैं SGN News, मुद्दे की बात आपके साथ। पुणे के बायसी प्रखंड परिसर में प्रखंड कृषि पदाधिकारी देव कुमार सिंह की अध्यक्षता में एक दिवसीय कृषि मेला का आयोजन किया गया। यह आयोजन अनुमंडल स्तर में हुआ, जिनमें मुख्य रूप से पौधा संरक्षण के सहायक निदेशक अनिल कुमार, विधायक हाजी अब्दुल सुभान एवं अनुमंडल पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार पंकज मौजूद रहे। कृषि मेला का उद्घाटन उपस्थिति सभी लोगों ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मेला में सभी कृषि यंत्र के स्टॉल लगाए गए थे, जिनमें सभी यंत्रों का नाम भी लिखा था और किसान को डीलर द्वारा किन सामान पर कितना सब्सिडी है उसे बताया भी जा रहा था। उचित निर्देश देते हुए बताया गया कि किसान को कृषि यंत्र खरीदने से पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। रजिस्ट्रेट किसान ही कृषि यंत्र का खरीद कर सकते हैं। किसान को अभी डीलर को समुचित पैसा देना होगा और जो सब्सिडी का पैसा होगा उनके खाते में भेज दिया जाएगा। ये कृषि यांत्रिकरण मेला सह उपादान मेला 2020 कराया गया जिला स्तरीय, ये अनुमंडल स्तरीय मेला है, जिसमें किसी यंत्र से संबंधित जितने उपकरण हैं, जैसे पंप सेट, रोटावेटर, स्ट्रॉ थ्रेसर है, तो आजकल जैसे पुआल पुआल फसल अवशेष रहता है उसको जलाया नहीं जाता है और उसको उस यंत्र के द्वारा उसको थ्रेसिंग कर दिया जाता है, मिट्टी में मिला दिया जाता है। किसान को क्या क्या लाभ मिलेगा सर इसमें? किसान हर यंत्र के लिए अलग अलग है, उसमें स्टॉल में लगाया गया है 50% से लेके ST/ST को 75% ये सब्सिडी दिया जाता है। अभी कब तक चलेगा मेला सर? ये अभी जिला से जैसा आदेश है जो एक महीना तक चलता रहेगा यह कार्यक्रम। इसमें ऑनलाइन आवेदन किया जाता है और पहले आओ पहले पाओ का ये सरकार के द्वारा जो नीति निर्धारण किया गया है इसी आधार पर ये चल रहा है। कौन कौन थे सर इस प्रोग्राम में? ये हमारे विधायक जी भी थे, प्रमुख जी भी थे, SDO साहब, BDO साहब और हमारे विभागीय सभी सलाहकार थे। हाँ, ये सब थे। हमको रोटावेटर और कल्टी का परमिट। अच्छा, इसमें कितना सब्सिडी मिलेगा? 25,000 कंट्री में 10,000। अच्छा, तब इसमें किसान खूब आया होगा ना मेला में? हाँ, बहुत आया था। आप देख रहे हैं SGN News, मुद्दे की बात आपके साथ।